हेलो दोस्तों 16 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन कई बार बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो फेल भी हो जाते हैं और पूरी साल बर्बाद हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यूपी बोर्ड से संबंधित आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी, और लास्ट वाली गलती तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो इसको तो बहुत ही ध्यान से समझना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों का बहुत सारा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का समय इस वक्त कितना महत्वपूर्ण है। गलती नंबर एक, आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में नाम और रोल नंबर आपको सही सही से भरने हैं। अगर नाम और रोल नंबर अगर गलत होंगे तो आपके जो नंबर हैं वो गलत तरीके से चढ़ सकते हैं और आपका जो रिजल्ट बनेगा उसमें भी आपकी गड़बड़ी हो सकती है। तो इसलिए आपको नाम और रोल नंबर आपको बहुत अच्छी तरीके से और सही सही भरने हैं ध्यान से, ठीक है। गलती नंबर दो, आप लोगों को एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुँचना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम सेंटर पर जब एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है, ठीक है। गलती नंबर तीन, आप लोगों को नकल का विशेष ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि नकल ले जाते हैं और किसी दूसरे की सीट के नीचे फेंक देते हैं, जो कि नकल नहीं कर रहे होते हैं और ना ही वो नकल लेके आए होते हैं, लेकिन वो पकड़े भी जाते हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जहाँ पर भी आप बैठो अपने आसपास की सीट के नीचे देख लें, कहीं कुछ नकल वगैरह तो नहीं है। अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी कॉपी छीन ली जाती है और कई बार उसे पेपर भी नहीं देने दिया जाता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। नंबर चार, आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर सही सही लिखने हैं और साफ साफ लिखने हैं। अगर आप गलत तरीके से लिखोगे, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं उल्टा सीधा लिख देते हैं, जिसकी वजह से जो टीचर जो होते हैं जो आपकी कॉपी को जो जांचेंगे, अगर उनकी समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है तो फिर आपको नंबर क्या देंगे। तो इसीलिए आपको साफ साफ लिखने हैं अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। नंबर पाँच, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो नहीं आता है आप उसे ना करो, उसे भी अगर आप जहाँ पे भी अगर आपका अंदाज़ा भी लग रहा है तो उसे भी आप कर लें, क्योंकि इसमें कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। हो सकता है कि अगर वो सही भी हुआ तो उसके आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे। तो आपको सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो फिर उसका तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप करोगे तो कुछ ना कुछ उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को सबसे पहले उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर अच्छे से आता होगा तो टीचर जो आपको कॉपी चेक करने वाला होगा उसे लगेगा कि बच्चा होशियार है और उसने अच्छा लिखा है, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसके बाद फिर आप एक एक करके करते जाइए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इन गलतियों को समझ गए होंगे और ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। ऑल द बेस्ट।